तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा था कि व्हाट इज माउथ। माउथ के बारे में हम अब सब कुछ पढ़ चुके हैं कि माउथ में कैसे डाइजेशन होता है, क्या माउथ का वर्क होता है, कैसे माउथ में फूड हम च्यू करते हैं, टंग का क्या काम है, सलाइवरी अमाइलेज का क्या काम है, सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या काम है। ओके, तो हम समझते हैं कि फूड माउथ से च्यू करने के बाद थ्रू आउट डाइजेस्ट होने के बाद जाता कहाँ है और कैसे जाता है। तो जैसा हमने उस डायग्राम में समझा था, आपको याद होगा कि हमने एक माउथ लिया था, माउथ के बाद एक फूड पाइप बनाया था हमने। क्या बनाया था? फूड पाइप। उस फूड पाइप को हम कहते हैं ईसोफेगस। इसके अंदर हमारा ओ जो होता है पहला वाला वो साइलेंट होता है, तो हम इसको पढ़ते हैं ईसोफेगस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप। फूड पाइप कैसे? क्योंकि हमने माउथ से फूड खाया और ये उस फूड को नीचे लेके जाता है, तो इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप। इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये पाइप और ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है विच कनेक्ट माउथ टू स्टमक मेड अप ऑफ मस्क्यूलर टिश्यू। ओके, तो ये जो होता है ये हमारे माउथ से शुरू होता है, यानी हमारे माउथ से, यानी इस पॉइंट से शुरू हो जाता है हमारे माउथ से और ये हमारे इस स्टमक तक ये फूड पाइप चलता है। ठीक है, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हम इसको देख रहे हैं ट्यूब जैसी बनी हुई है पूरी फूड की, फूड लाने ले जा सिर्फ लाने अंदर लाने के लिए फूड पाइप बनी हुई है। ओके, तो ये माउथ से शुरू होकर स्टमक पे खत्म होती है। एंड इट इज मेड अप ऑफ मस्क्यूलर टिश्यू। ये मसल्स के टिश्यू से बना हुआ होता है, यानी मसल जो हमारी बॉडी में होते हैं, जो टिश्यू मतलब जो टिश्यू कंबाइन होकर मसल बनता है, उसी तरीके से मसल्स का ये फूड पाइप बना हुआ है। ओके, तो इसका क्या काम है? हमने पढ़ा जो फूड हम इनटेक करते हैं उसको माउथ से लेकर स्टमक तक ले जाने का जो काम होता है वो होता है ईसोफेगस का। इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कनेक्ट माउथ टू स्टमक मेड अप ऑफ मस्क्यूलर टिश्यू, हेल्प इन पुशिंग डाउन द फूड टू स्टमक। Helps in pushing down food to stomach. अब क्या करता है? हमने फूड खाया, माउथ में यहाँ अटका, इसके अंदर ऐसे मस्कुलर मूवमेंट होता है। जैसा मैंने आपको समझाया था कि मान लो पाइप में से फूड एंटर हुआ, यहाँ पे फूड है, तो ये क्या होता है? पहले यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ से सुकुड़ जाएगा। अगर यहाँ पे फूड यानी बीच में है तो सुकुड़ जाता है, फ्री ऐसे होता है। उस वजह से क्या होता है? फूड अपने आप नीचे, यानी नीचे उतरता जाता है ऐसे फूड पाइप में। तो क्या होता है? इट हेल्प्स इन पुशिंग डाउन द फूड टू स्टमक। यानी जो पाइप होता है खुद से मस्क्यूलर मूवमेंट करता है, यानी ऐसे ऐसे करके मूवमेंट करता है, फिर ऐसे फूड को ऐसे दबाता है, नीचे लेके आता है। तो मस्क्यूलर मूवमेंट करता है, यानी जो पाइप होती है मूवमेंट करती है, जिससे जैसे हमने यहां से फूड इनटेक किया तो ये फूड यहां चलेगा, फिर यहां से यहां आएगा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर ये फूड सीधा स्टमक में एंटर कर जाता है। यानी ये फूड ऐसे आके सीधे स्टमक में चला जाता है। तो ये हमारे सिर्फ ईसोफेगस यानी फूड पाइप का काम है। अब इसकी लेंथ कितनी होती है? वैसे भी हम अंदाजा लगाया था, हमारा यहां से माउथ से लेके जो इतनी लेंथ होती है ये 30-40 सेंटीमीटर है। तो अप्रोक्स जो होता है, यानी हर ह्यूमन के हिसाब से अलग अलग होती है, तो अप्रोक्स जो इसकी लेंथ है वो कितनी हुई? 30-40 सेंटीमीटर। यानी ईसोफेगस यानी फूड पाइप की जो लेंथ होती है वो होती है 30-40 सेंटीमीटर। अब फूड हमने माउथ से ले लिया, अब फूड पाइप से वो अंदर चला गया, और हमने यहां पे पढ़ा वो फूड पाइप से सीधे स्टमक में जाता है। अब स्टमक क्या होता है और स्टमक क्या करता है? स्टमक को जैसा हम हिंदी में कहते हैं इट इज पेट, जो हमारा पेट होता है, यानी जो खाना सारा डाइजेस्ट करता है, यानी जिसमें सारे के सारे जो डाइजेशन के प्रोसेसेस होते हैं वो सारे इसमें कंप्लीट होते हैं। इट इज अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जे शेप्ड, यानी देखो ये हमारा स्टमक का डायग्राम है। ठीक है, तो हम जे जैसा बनाते हैं, ये जे जैसा स्ट्रक्चर है। ओके, ये जे जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये जे जैसा स्ट्रक्चर है। तो हम देखें ध्यान से तो हमारा स्टमक भी कुछ ऐसा ही है। ये जे जैसा स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर यानी थैले जैसा स्ट्रक्चर है जे शेप में। अब वो क्या करता है? इनर वॉल सेक्रेट्स एंजाइम्स विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। अब क्या करता है? जो इसकी इनर वॉल्स होती है, अब जो बैग है उसके अंदर की जो वॉल्स है,
यानी ये जो अंदर की इसकी वॉल्स है, ये वॉल है इसकी सारी इनर वॉल, यानी अंदर वाला जो हिस्सा है इसका, ये एंजाइम्स सिक्रीट करता है, ये एंजाइम सिक्रीट करता है जो हमारी बॉडी में डाइजेशन का काम करती है, यानी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, यानी जो हमारा खाना पाचन करने के लिए जो हमें केमिकल्स की जरूरत पड़ती है वो इसकी इनर लाइनिंग से निकलते हैं और फूड यहां पे होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं, इट इज अ जे लाइक स्ट्रक्चर, इनर वॉल सिक्रीट्स एंजाइम विच हेल्प्स इन डाइजेशन, फूड स्टेज इन स्टमक फॉर फ्यू मिनट्स और आवर्स, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ फूड। ठीक है, अब हम इस बात को समझते हैं। कई बार हम मम्मी से सुनते हैं, हमारे घर वालों से सुनते हैं कि कुछ हम नेचुरल चीजें खाओगे, यानी सैलेड खाओगे, हम खिचड़ी खाएंगे तो फटाफट डाइजेस्ट हो जाती है, और यही हम बोलते हैं कि हम मैदे की कोई चीज खाए, यानी मैगी खाए, कोई नूडल खाए, कुछ पास्ता खाए, तो घर वाले बोलते हैं इसको डाइजेशन में, यानी इसको पचाने में बहुत समय लगता है, यानी कई कई घंटे लग जाते हैं कई बार। तो कुछ फूड ऐसे होते हैं जो स्टमक में कुछ फ्यू मिनट्स या फिर कुछ थोड़े से टाइम के लिए होते हैं, और कुछ फूड ऐसे होते हैं जो स्टमक में कुछ कुछ आवर्स के लिए भी इकट्ठे हो जाते हैं, यानी ये फूड के नेचर पे डिपेंड करता है, हमने किस तरीके का फूड खाया है वो कितनी जल्दी डाइजेस्ट होता है, वो सारी जो टाइम पीरियड है, यानी कुछ फूड का टाइम पीरियड मिनट्स में आता है और कुछ फूड का टाइम पीरियड जो होता है वो आवर्स में आता है, इट डिपेंड्स अपॉन द फूड। फूड गेट्स प्रैक्टिकली डाइजेस्ट इन द स्टमक एंड गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहां समझते होता क्या है, होता यह है कि जब तक फूड यहां होता है, यानी फूड इसके डाइजेस्टिव फॉर्म में आ चुका है, यानी जो फूड है ये डाइजेशन इसका हो चुका है, यानी पूरा डाइजेस्ट हो चुका है, अब ये सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, यानी यहां पे फूड डाइजेस्ट हो गया, अब बस इसे एनर्जी निकालना बाकी है। तो ये हमारा ईसोफेगस का काम था, ईसोफेगस का क्या काम था, फूड को बॉडी में नीचे उतारना, यानी माउथ से लेकर स्टमक में उतारना। स्टमक का यह काम था, उसकी इनर लाइनिंग से एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और जो फूड होता है वो प्रैक्टिकली डाइजेस्ट हो चुका होता है यहां तक। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है। तो एक बार अभी डायग्राम देख लीजिए, ये है ईसोफेगस, ये है हमारा फूड पाइप और ये है हमारा स्टमक, तो एक बार आप ये सब देख लीजिए और पॉइंट्स नोट कर लीजिए।